तो फाइनल दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको रिव्यू दिखाया था Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन का, और अब मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आ चुका हूँ Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बॉक्स भी है, और मैंने भाई काफी दिनों पहले आपसे कहा था कि मेरी कम्युनिटी में भी डाला था कि भाई अगर आपको Realme 12 Pro एंड Pro Plus के बारे में कुछ जानना ना, मैं इसका एक डिटेल रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन है वहां पर डाल सकते हो। और मैंने आपके सारे क्वेश्चन देखे, तो जिस दोस्तों ने जो भी क्वेश्चन पूछा था मैं सभी के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ, और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, क्या कुछ बुरी चीजें मिलती हैं, क्या 32,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन है, और 32,000 के हिसाब से गेमिंग परफॉर्मेंस कैमरा एंड डिस्प्ले क्या बेहतरीन मिलती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन की बात करूं ना, तो सबसे जो इसकी मेन हाईलाइट है वो स्मार्टफोन का कैमरा ही है, क्योंकि भाई जो स्मार्टफोन का कैमरा आपके बारे में मिलता है, आई थिंक Realme की पहली ऐसी सीरीज है ये, इस नंबर सीरीज वाली बात कर रहा हूं, जहां पर हमें पेरिस्कोप लेंस देखने जाता है, और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका 120x जूम देखने जाता है। तो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी 120x जूम में कैसी क्वालिटी देखने जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए, आप इसके कैमरा के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पर हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने जाता है, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, स्टैंडिंग 8 एंड थर्ड 64 मेगापिक्सल का। यहां पर सोनी के लेंसेज का यूज किया गया है, सोनी IMX890 जो कि काफी अच्छा सेंसर है, हमें काफी सारे स्मार्टफोन में देखने जाता है, और हमने उसकी क्वालिटी पहले भी देखी है, तो कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी देख मिलती है, एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो रियर साइड में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है, सेल्फी में हालांकि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। फीचर्स भी आप यहां पर देख सकते हो, आपको वही नाइट मोड, स्ट्रीट मोड, वीडियो में आप देखोगे तो 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आप 1080 में शिफ्ट करोगे तो वहां पर आपको 60fps का भी ऑप्शन देखने को जाता है, और भी इसमें काफी सारे फीचर देखने को जाते हैं, अगर आप उनको यूज करो तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी यहां पर कर सकते हो लगभग मैं कहूंगा। और यहां पर चलिए मैं आपको स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी दिखाता हूं, क्योंकि फीचर्स तो आपने सबने देख लिए कि क्या कुछ फीचर देखने मिलते हैं, लेकिन अभी इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी देखो यार, कैमरा इस स्मार्टफोन का रियली में आपको सरप्राइज करता है। 32,000 के हिसाब से भाई बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि लो लाइट डे लाइट दोनों ही कंडीशंस में काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी देता है, और अगर आप इसके पोर्ट्रेट शॉट्स देखोगे ना भाई, वो तो क्या कमाल के निकल कर आते हैं भाई, काफी अच्छी तरह से कलर्स को ये मैनेज करता है, और स्किन टोन देखोगे तो उसको भी यहां पर काफी अच्छी तरह से इसने मैनेज किया है। लो लाइट डे लाइट दोनों ही कंडीशंस में Realme 12 Pro Plus है ना, हमें काफी अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी यहां पर प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरी बात, अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी कैमरा भी यहां पर हमें काफी अच्छा काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, एज इट इज, जैसा कि हमें रियर कैमरा में देख मिला था भाई, जो कलर्स वगैरह को जो मैनेज करता है ना काफी अच्छी तरह से करता है, और सेम हमें सेल्फी से भी लो लाइट डे लाइट दोनों ही कंडीशन में काफी अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी देखने को जाती है। काफी सारे दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन था कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो हमें कैसी देखने को जाती है, तो यहां पर मैं 4K 30fps में यहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेबिलिटी हमें काफी देखने को मिल जाती है, और यहां पर भी जो कलर वगैरह है ना वो यहां पर भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी की बात करूं, देखो सेल्फी ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि क्वालिटी बेकार है, वो है भाई, क्वालिटी काफी अच्छी देखने जाती है, लेकिन मुझे इसकी स्टेबिलिटी है ना थोड़ी ही कम यहाँ पर लगी स्मार्टफोन की सेल्फी की, तो वो थोड़ी और अच्छी होती तो काफी अच्छा हो सकता था, अदरवाइज क्वालिटी वाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई Realme ने अब की बार कैमरा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है यहाँ पर आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इसके 120x जूम का, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका 120x जूम टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120x तक हमने यहाँ पर जूम किया है, और यहाँ पर इसकी फोटोज की क्वालिटी देख सकते हो, हमने बार बार किया, पहले यहाँ पर 50x तक का जूम था, यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हो, एंड 120x तक का भी हमने यहाँ पर जूम किया है, जूम काफी अच्छी तरह से काम करता है, आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, और इस प्राइसिंग में आपको काफी कम ऐसे स्मार्टफोन देखने को जो कि 120x जूम तक देखने मिलते हैं। बाकी आप बताना आपको इसकी 120x जूम वाली इमेजेस कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है 120x जूम के साथ इस प्राइसिंग में। और एक चीज और मैंने देखी थी, काफी सारे दोस्त यूट्यूब पर भी बात कर रहे थे और हमारे कमेंट में भी बात कर रहे थे, इस स्मार्टफोन का सीधा कंपैरिजन कर रहे थे Samsung Galaxy S23 Ultra के जूम टेस्ट के साथ, तो क्या इन दोनों का जूम हमें करना चाहिए, और क्या Realme 12 Pro Plus Samsung Galaxy S23 Ultra को जूम के मामले में टक्कर दे सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं नॉर्मली बात करूं स्मार्टफोन के कैमरा की, स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी की, तो हाँ हम एक कंक्लूजन पर निकल सकते हैं कि भाई जो स्मार्टफोन का कैमरा है ना, नो डाउट यार
क्वालिटी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। और 32,000 के हिसाब से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो बेहतरीन कैमरा क्वालिटी हमें देखने मिल जाती है। अभी जो स्मार्टफोन की दूसरी मेन हाईलाइट है वो स्मार्टफोन का डिजाइन है। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई वीगन लेदर आपको देखने मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल देखोगे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। और स्मार्टफोन को मैं सीधा सीधा कंपेयर करूँ रियलमी की 11 सीरीज से तो काफी सारे दोस्त कहते हैं कि भाई कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। भाई रियलिटी में चेंज है, अगर आप 11 सीरीज यूज किए ना तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि जो 12 सीरीज है ना उसको ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी ये कोशिश भाई भरपूर पूरी भी हुई है, काफी प्रीमियम स्मार्टफोन लगता है। और एक चीज अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, थोड़ा हल्का स्मार्टफोन देखने जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये हैवी स्मार्टफोन लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और वीगन लेदर की वजह से जो हैंडसोन फील निकल कर आती है वो काफी तगड़ी देखने जाती है। मैंने इससे पहले आपको Realme 12 Pro 5G का भी रिव्यू दिखा था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। वहां पर भी मैंने एक चीज बताया था कि यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया और देखा है, यहाँ पर आपको बैकवर यूज करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात है वीगन लेदर, एक रीजन तो ये है। और इस कलर में जो कलर मेरे पास है ना, यहाँ पर आपको इशू नहीं होगा। जो इसका दूसरा कलर है ना बेज और जो रेड कलर है ना, वहां पर आपको ज्यादा इशू आ सकता है क्योंकि वो थोड़े जल्दी डर्टी हो जाएंगे। और बैकवर इसलिए भी मैं रखने कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कर्व एजेस वाली डिस्प्ले देखने में आती है। और आप सबको बताया भाई, जो कर्व एजेस वाली डिस्प्ले होती है लगती काफी अच्छी है लेकिन भाई डैमेज काफी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर भाई आप बैकवर जरूर यूज करना, दोनों के लिए अच्छा होगा, बैक में वीगन लेदर के लिए भी और फ्रंट में स्मार्टफोन डिस्प्ले के लिए भी। अदरवाइज मैं बात करूं स्मार्टफोन की, बैक में भाई काफी अच्छा डिजाइन देखने में आता है। स्मार्टफोन है काफी स्लिम भी आपको देखने में आता है, ऐसा नहीं है कि भाई हैवी है या बल्कि स्मार्टफोन है, नहीं बिल्कुल स्लिम स्मार्टफोन देखने में आता है। फ्रंट साइड आता हूं तो यहां पर आप देखोगे तो मिड कंसोल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, बेजल्स काफी कम हमें देखने जाते हैं, कर्व्ड एजेस देखने को मिल जाते हैं। भाई स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। नो डाउट यार स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी है, आप यहाँ पर 4K वीडियोज है इजिली यहाँ पर वॉच कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह निकल कर आते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छे देखने जाते हैं। हाँ काफी सारे दोस्त पूछते हैं यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स है वो HDR सपोर्ट करता है, यानी देखो अभी के टाइम पर मैं बात ये Netflix में HDR सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि कुछ अपडेट्स के बाद वो भी इनेबल कर दे Realme, ज्यादा चांस है कर देगा, आपको जल्दी वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स के बारे में पूछते हैं काफी सारे दोस्त की कैसी है, क्या ज्यादा ही लाउड है या कम है, क्या आवाज फटती है। देखो आवाज वगैरह कुछ भी नहीं फटती है, स्पीकर्स की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने जाती है। अगर आप कोई ईयरफोन्स वगैरह यूज नहीं करते, विदाउट हेडफोन्स के भी कोई कंटेंट वॉच करोगे तो आप उसको इंजॉय करोगे, आपको ऐसा नहीं है कि भाई आवाज सुनने में कम लगेगी या ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी क्लियर वॉइस आपको देखने को मिल जाएगी। बैंड्स के बारे में बात करते हैं, काफी सारे दोस्त पूछते हैं कितने बैंड्स मिलते हैं, तो 9 5G बैंड्स देखने जाते हैं, 5G कनेक्टिविटी है आपको काफी अच्छी देखने जाती है। यानी ओवरऑल अगर मैं देखो, ये तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी स्मार्टफोन के बारे में, जैसे स्पीकर्स वगैरह की बात को, लेकिन हम बात कर रहे थे स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन के बारे में, तो मैं कह सकता हूं भाई जो डिस्प्ले एंड डिजाइन है ना रियली में काफी तगड़ा हमें देखने जाता है, एक प्रीमियम स्मार्टफोन आपको लगेगा। अगर आप इसको हाथ में लोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आपने कोई 30-35 हज़ार वाला स्मार्टफोन ले रखा है, आपको लगेगा भाई 50-60 हज़ार का कोई अच्छा प्रीमियम स्मार्टफोन आपने हाथ में ले रखा है, तो भाई काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, और मुझे सच बताऊं ना स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस ही थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि अगर आप स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चूज कर रहे थे तो मैं आपको भाई सीधा ही डिनाई कर देता हूं, आप इस स्मार्टफोन की तरफ देखना भी मत, क्योंकि अगर आप भाई हैवी गेमर हो, आप चाहते थे भाई मुझे तो सिर्फ गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको 32,000 के अंदर अगर आप थोड़े ऊपर जाते तो वहां पर भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने जाएंगे हैवी गेमिंग के लिए, हाई ग्राफिक्स पर जाने के लिए आपको और भी ज्यादा स्मार्टफोन देखने जाएंगे। लेकिन हाँ अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है, आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे प्राइसिंग के हिसाब से बेटर करनी है या मुझे कंपेयर करना दूसरे स्मार्टफोन के साथ, तो आप बेसिक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर हालांकि आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen S2 चिपसेट देखने जाता है, स्टोरेज टाइप की बात करो तो UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप आपको देखने जाती है जो कि अच्छी है, फास्ट होती है, इजिली अगर आप डाटा ट्रांसफर वगैरह करते हो तो इजिली यहाँ पर फास्टली तरीके से आपका हो जाएगा, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ चलिए मैं आपको इसके कुछ ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि कहां तक की ग्राफिक सेटिंग को ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हो अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करता है। और एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हो, 6 लाख प्लस का यहाँ पर आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने जाता है। देखो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ गेमिंग की तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा, अगेन दोबारा वही बात कहूंगा, अगर आपको स्पेशल गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए था तो मैं आपको कहूंगा कि आप दूसरा स्मार्टफोन देख सकते हो। लेकिन हाँ अगर मैं बैटरी की बात करूँ ना तो भाई 5000 mAh की बैटरी देखने जाते हैं, 67
5000 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है और चार्जिंग की आप इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने स्मार्टफोन के अंदर एक घंटे तक गेमिंग की थी और वहां पर सच बताऊं मुझे कितना बैटरी कम हुआ था, वहां पर हमें 17-18% ही बैटरी कम हुई थी सिर्फ एक घंटे के अंदर। तो इससे आप इसका बैटरी का अंदाजा लगा सकते हो आपको कितनी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। इजीली मैं तो कहूंगा नॉर्मल यूज करोगे ना एक दिन से ज्यादा का इजीली आपको बैटरी बैकअप स्मार्टफोन में मिल जाता है। और यहां पर हमें देखने को मिल जाता है 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि आपको लगभग 45 मिनट्स के अंदर स्मार्टफोन को फुली चार्ज कर देता है। तो फास्ट चार्जिंग देखने में जाती है अच्छी बात है और अच्छा जल्दी भी फास्ट चार्ज कर देता है। हाँ यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 32,000 तक यहाँ पर अगर मैं 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता तो और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन भाई अभी 67 ही मिल रहा है तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। और अदर चीजों की बात करूँ जैसे दोस्तों बात करता हूँ इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने में जाता है, काफी अच्छी तरह से काम करता है, काफी फास्टली काम करता है, आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलता। फेस अनलॉक है वो भी आपको काफी अच्छा काम करता हुआ देखने में जाता है। एक चीज और बता देता हूँ, काफी सारे दोस्त मुझे बार-बार पूछते हैं कि क्या यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने मिलती है, तो हाँ भाई यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको देखने मिलती है, लेकिन आप अच्छी बात है कि उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो और इतनी ज्यादा भी नहीं मिलती है अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके प्रीवियस स्मार्टफोन से। तो ये थी दोस्तों Realme 12 Pro Plus के बारे में मेरा रिव्यू, मैंने अपना ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि कैसा स्मार्टफोन, क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं। हाँ अभी खरीदने वाली बात पर आ जाते हैं कि 32,000 के हिसाब से कैसा स्मार्टफोन। देखो अगेन कहूंगा मैंने 12 Pro में भी यही कहा था, अगर आपको प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट लुक एंड डिजाइन बेस्ट कैमरा चाहिए तो नो डाउट मैं आपको इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करूंगा, और हाँ बेस्ट बैटरी बैकअप भी चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके खरीद सकते हो, आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो गेमिंग चाहिए फाड़ू वाली तो आप वो चीज देखो सच बता रहा हूँ इस स्मार्टफोन में नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए दूसरे स्मार्टफोन को देखना होगा। तो ये था दोस्तों एक रिव्यू Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय दोस्तों।